श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। त्रिपुंशी महापुराण कथा जो कि रायसेन में चल रही थी, पशुपतिनाथ व्रत को लेकर गुरुजी के पास एक प्रश्न आया कि जो पशुपतिनाथ में हम मीठे का भोग लगाते हैं शंकर भगवान को, जिसके तीन हिस्से किए जाते हैं, तो वह हम बाजार से मीठा लाके भोग लगा सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि जिस तरह हम चंदन महादेव को रोज लगाते हैं, पर किसी दिन हम जब हाथ से घिस के चंदन तैयार करते हैं और फिर महादेव जी को लगाते हैं, वो चंदन जो स्नेह प्रेम श्रद्धा और परिश्रम से मिलकर बनता है, तो उसकी बात ही अलग होती है, वह कभी खाली नहीं जाती। उसी तरीके से यदि हम जब प्रसाद अपने हाथों से तैयार करते हैं और महादेव को जब भोग लगाते हैं, तो हमारा स्नेह श्रद्धा परिश्रम उसमें मिल जाता है, जो कभी खाली नहीं जाता। इसी तरीके से पशुपतिनाथ व्रत की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, तभी पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।